और अब खबर कोरबा से है, जहां मानस नगर बस्ती में दो स्कूली छात्रों के लापता होने की सूचना पर कोरबा एसपी मौके पर पहुंचे। घंटों घटना की जानकारी लेने के बाद भी आखिरकार बच्चों को ढूंढ लिया गया। मामला सीएसईबी चौकी अंतर्गत मानस नगर का है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले दो छात्र स्कूल से एकाएक लापता हो गए थे। परिजनों ने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक ही कक्षा में पढ़ने दोनों बच्चे स्कूल से गए थे और एक घर पर फल तोड़ने गए थे। जब इसकी शिकायत मकान मालिक ने टीचर से की तो बच्चों को डांट फटकार लगाई गई। इस बात को घर तक पहुंचाने और पिटाई के डर से दोनों कहीं भाग गए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए शहर की थाना चौकी पर सूचना दी और बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड के अलावा आसपास के नदी नाले को भी तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान कोरबा पहुंचे एसपी जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को ढूंढ निकाला गया। दो बच्चे जिन्हें हमारे पास करीब 8:30 बजे के आसपास आए और बताई कि दोनों बच्चे तरह से घर नहीं आए हैं स्कूल के बाद से, और उन्होंने यही बताया कि उसमें से एक बच्चा जो है 2-3 बार पहले भी मतलब घर से जा चुका है और आसपास ही मिल जाता है। और हमसे उन्होंने बोला कि मतलब हमारा रिपोर्ट हमको नहीं लिखाना है, सूचना दे रहे हैं, हमारे ढूंढने मदद कर दीजिए। तो तुरंत हम पूरा सीएसएबी चौकी स्टाफ और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पे आकर के काफ़ी प्रयास किए और बच्चे पारा नहीं मिल रहे हैं अभी, सब कुछ उनको जो है उनके माता पिता के सपोर्ट कर दिया।